कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ानी है, ठीक है, तो साउंड वाउंड को छोड़ते हैं, बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसे बढ़ती है, फिर देखते हैं इसका उसमें क्या रोल है। एग्जैक्टली करना क्या है साउंड मेडिटेशन में वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तब तक ईयरप्लग्स लगाने जब तक ये साउंड नहीं आ रही, जब साउंड आने लग जाए तो ईयरप्लग्स को उठा करके डस्टबिन में डाल दो, ईयरप्लग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। बिना उसके आप कहीं भी हो आप इस साउंड को सुन सकते हैं। कहते हैं जब पढ़ाई करते हैं तो अगर पीछे आप कोई म्यूजिक ऑन कर लो तो पढ़ाई में ध्यान लग जाता है। ऐसे ही करते हो लोग? करते यही हैं लेकिन अनजाने में करते हैं। मैं आपको उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ कि रीज़न क्या है और कैसे काम होता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अगर आप प्ले करोगे और उस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी बीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, धांधू नहीं है, बेस ज़्यादा नहीं है, तो आपका ध्यान पढ़ाई में लग जाएगा। सॉफ्ट म्यूजिक, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो ध्यान आपका जो 50 जगह पे चल रहा था वो वहां से हट करके एक जगह पे आ गया। जब म्यूजिक सुनते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद में और थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, सिर्फ म्यूजिक की तरफ ध्यान होता है और ध्यान होता है पढ़ाई की तरफ। तो ध्यान पहले जो 50 जगह पे था और पढ़ाई पे था, अब वो कहां पर है? एक जगह पर है यानी कि म्यूजिक पर है और पढ़ाई पर है, दो जगह पर आ गया। तो अगर ध्यान दो जगह पर होगा उस ध्यान की पावर ज्यादा होगी, या ध्यान 100 जगह पर होगा उसकी ज्यादा होगी? दो जगह पर होगा। अब इस साउंड में देखो क्या होता है, इसमें तो ना कोई बीट्स है, ना कोई लिरिक्स है, कुछ भी नहीं है। जब आप बैठोगे पढ़ने के लिए तो क्या होगा, आपका ध्यान पहले तो हर जगह से हट करके इसकी तरफ आ जाएगा। होता है ऐसा? कभी भी नोट करना, आराम से रिलैक्स होकर के बैठो पढ़ने से पहले, इस साउंड की तरफ अपने ध्यान को ले जाओ, तो आपका क्या होगा, माइंड थॉट से हट गया, फीलिंग से हट गया, हर जगह से हट गया, साउंड पे आ गया, आप पढ़ने लग जाओ। तो ये साउंड आपका ध्यान पढ़ाई में लगा देगी। वन पॉइंटेडनेस, ध्यान, व्हाट डज ध्यान मीन, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, जब वन पॉइंटेड हो जाए। हमारा ध्यान अभी कैसा है, भटकी हुई है ना, बिना इस साउंड के हमारा ध्यान कैसा है समझने की कोशिश करो। क्या होता है, कभी बाहर से कोई साउंड आ गई, कभी कुछ दिख गया, कभी कुछ याद आ गया, कभी ये याद आ गया कि अब ये करना है, ये हुआ था, हजार जगह पर है, समझ रहे हो? तो ध्यान कैसे भटक रहा है? अगर आपके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और आप वहां से आग लगाना चाहते हो सूरज से, तो अभी आपका ध्यान कैसा है, ऐसे 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 भटक रहा है। फोकस कैसे करोगे, कभी यहां चला गया, कभी वहां चला गया। जहां आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जाता है यानी कि आपका ध्यान जाता है, वही चीज आपको दिखने लग जाती है, तो एक जगह पर टिक नहीं रहा ना। इससे क्या हुआ, एक जगह पर आ गया। इस इनर साउंड से क्या होता है, ध्यान एक जगह पर टिक जाता है, एंड इट इज अ वेरी वेरी हाई स्टेट। रीजन बीइंग, अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन रहे हो तो वहां फिर भी कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, आप समझ रहे हो, कुछ ना कुछ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल ही खाली है, जिसको बुद्धिज्म में एम्प्टीनेस बोलते हैं, शून्यता, जीरो। बिना जीरो के मैथमेटिक्स क्या है, जीरो ही है। तो जब तक हमारी लाइफ में ये नहीं है तब तक सब भटका हुआ है, ये आते ही सब कुछ सिमट गया, एक जगह पर आ गया। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पावर साइंटिफिकली कैसे बढ़ेगी इससे, क्योंकि ये एक ऐसी साउंड है जिससे रिलेटेड आप चाहो भी तो आप कुछ सोच नहीं सकते। एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है सपोज कैनी जी का, ठीक है, उसको जैसे ही आप सुनोगे आपको याद आ जाएगा, हाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने ये वाली सीडी मेरे को रिकॉर्ड करा के गिफ्ट करी थी, बड़ी सही थी, समझ गए? ध्यान वहां चला जाएगा क्योंकि उसके साथ कुछ फीलिंग्स जुड़ी हैं, कुछ थॉट जुड़े हैं, कुछ यादें जुड़ी हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं। यहां आकर के माइंड मर जाता है, फिर जैसे ही माइंड को एक गोल मिलता है तो माइंड अपनी पूरी एनर्जी उस गोल की तरफ लगा देता है। तो दो घंटे में जो आप पढ़ाई करोगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 20 घंटे की पढ़ाई उस आदमी के कंपैरिजन में जिसका ध्यान भटका हुआ है। दो घंटे में जिसका ध्यान हजार बार भटक रहा है, मान लो शुरू शुरू में आपका भी ध्यान दो घंटे में 10 बार भटकता है, लेकिन उसका हजार बार भटक रहा है, या आप ही का पहले हजार बार भटकता था, अब सिर्फ 10 बार भटका। जैसे ही भटका, पढ़ाई से ध्यान को हटाया, ध्यान को ले गए साउंड की तरफ, पढ़ाई को छोड़ दिया 5 मिनट के लिए, फिर से एनर्जाइज हो गए। ये आपको एनर्जाइज कर देती है, कभी नोट किया है?
एनर्जी से भर देगी, बिकॉज दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां से आप एनर्जी से भर गए, भरते गए भरते गए भरते गए, फिर आधा घंटा पढ़ाई करी, ब्रेक लिया, देर इसको सुना, फिर पढ़ाई करी, बढ़ गई कॉन्सेंट्रेशन पावर। कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है पढ़ाई के अंदर? हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। उस इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए? अंदर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। ये जड़ है प्रॉब्लम की, कि किसी तरह से नहीं। अगर आपको पार्क में जाकर के खेलना है तो उसके लिए किसी मोटिवेशन सेशन की जरूरत है क्या? नहीं है। आप जाओगे जाकर के पार्क में खेलोगे। फेसबुक के ऊपर बैठ करके टाइम पास करना है, उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत है क्या? मुझे जरूरत है आकर के बोलने की कि प्लीज अपना फेसबुक पे टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखो, व्हाट्सएप पे बैठा करो ना, बैठते क्यों नहीं हो, अपने दोस्तों के पास जाया करो, दो चार पैग लगाया करो, हाँ सुट्टे मारा करो, ये सब बोलने की जरूरत है? समझो, जड़ तक जाना है, ऊपर ऊपर लेवल पे काम नहीं करना। सॉल्यूशन ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आकर के, आपके पेरेंट्स आकर के, पूरी दुनिया आकर के आपको कहे कि मत पढ़ो, मत पढ़ो, खबरदार अगर पढ़े तो, और फिर भी आप पढ़ो। आप कहो नहीं मैं तो पढ़ूंगा, आने दो, तो मेरे सामने कौन आ रहा है उसको देख लूंगा, देखता हूं मेरे को कौन रोकता है पढ़ने से। अगर कुछ ऐसा हो गया तो समझ जाओ खेल हो गया, काम हो गया। जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है उसमें पढ़ना था, आप पढ़ लिए, उसके बाद में जॉब करनी है तो जॉब में अपना 100% डाल दिया, बिजनेस करना है बिजनेस में 100% डाल दिया। एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में तो आपने 100% डालना सीख लिया ना, तो आगे भी आप लाइफ में जो भी करोगे आप पूरे दिल से करोगे, पूरे तरीके से करोगे। आप इमेजिन करो कि आप एक डेजर्ट में हो, रेगिस्तान में हो और खो गए हो, रास्ता भूल गए, एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, क्या होगा ऐसे में? प्यास से तड़प रहेगा, होगा ना? इमेजिन करो उस सिचुएशन को, जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग, कि दो दिन हो गए हैं आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, ऊपर से डेजर्ट जहां पर कोई छाया भी नहीं है, भागे जा रहे हो इधर से उधर, चले जा रहे हो, हिम्मत नहीं है, बुरी हालत हुई पड़ी है और मरने लायक हालत। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सिर्फ पानी, कि कहीं से पानी की एक बूंद मिल जाए, सिर्फ एक बूंद मिल जाए कहीं से पानी की, वो सूख गया है, अंदर तक सब कुछ सूख गया है, पूरी हालत हुई पड़ी है, उस वक्त आप क्या करोगे, क्या पियोगे? टॉयलेट पियेंगे, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, जो भी लोगों के साथ में ये चीज हुई है उनके एक्सपीरियंसेस जाकर के आप पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। टॉयलेट जिसको हम वेस्ट समझते हैं वो भी एक एक बूंद उसकी भी कीमती हो जाती है, जो आप में से कोई अभी सपने में भी करने की नहीं सोच सकता। अभी कोई यहां से बाहर जाकर के अपना टॉयलेट पिएगा? कोई है तैयार है? एनीबॉडी? कोई नहीं। क्यों? कोई वजह ही नहीं है। देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन। क्यों पिए भाई, मैं पागल हूं क्या? हाँ मैं पागल हूं जाकर के जबरदस्ती अपना टॉयलेट पीऊं? लेकिन अगर वो वजह बड़ी हो तो आप पानी क्या खून भी पी जाओगे। सारा खेल वजह का है, पर्पस का है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या कोई डिस्ट्रैक्शन होगी? यस और नो? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, आपका सिर्फ एक गोल होगा, वो होगा पानी और कुछ भी नहीं। इसी तरह से आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए पढ़ने के लिए, बर्निंग डिजायर, कोई जुनून चाहिए, कोई फितूर चाहिए, अंदर से चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तभी तो वो घोड़ा भागेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। आपके माइंड को डायरेक्शन कौन देगा? आप ही दोगे। आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, उसको बीच में लाना पड़ेगा उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो लगाम है आपके माइंड की। इंटेलिजेंस के बेस पे आप क्या कर सकते हो? आप कमिटमेंट कर सकते हो, आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे सकते हो कि ये वजह है मेरी इस काम को करने की, मैं इसको करके ही रहूंगा, हर हाल में कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं ये इस वजह से नहीं कर पा रहा, उस वजह से, उस वजह से। एक्सक्यूजेस वो लोग देते हैं जिनके पास में कोई वजह ही नहीं है उस काम को करने की।
They don't have a reason to do it. That's why they are giving excuses. और उनको गलतफहमी ये हो गई है, वो एक्सक्यूज किसी और को दे रहे हैं, वो खुद को ही दे रहे हैं एक्सक्यूजेस. जिंदगी उनकी खराब हो रही है एक्सक्यूजेस दे दे करके. उनकी आदत पड़ती जा रही है हर चीज में एक्सक्यूज देने की. ये मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, धड़ 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 धड़. ये मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, धड़ 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 धड़. मान लिया हजार वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे. अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो. क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हो? Need a strong reason. You need a burning desire. भयानक desire चाहिए अंदर से. वो आपको खींचेगा, वो आपके घोड़े को एक direction देगा. नहीं तो भागता रहेगा इधर उधर, आपको कुछ ही नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. वो लगाम लगाएगा, वो आपकी वजह होगी जिसके बेस पे गोल सेटिंग होगी. लोग बात करते हैं गोल सेटिंग गोल सेटिंग गोल सेटिंग. क्या गोल सेटिंग? उठा करके कोई भी गोल सेटिंग करती जो अंदर से खोखला है, उसके पीछे क्या बर्निंग डिजायर है या नहीं है? कोई पर्पस है या नहीं है? तो पर्पस क्या है? एब्सोल्यूटली सिंपल. दो चॉइसेस हैं आपके पास में. एक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है या मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना. जिंदगी को काटना है या जिंदगी को जीना है. यह है जिंदगी का मकसद. यह आपको आगे तक लेकर के जाएगा. इसके बेस पे गोल सेटिंग होगी और फिर जो गोल सेटिंग होगी वो पक्की होगी. क्योंकि अब आपको बाहर से कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये करो वो करो वो करो. अरे ना, आपके अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है.